आज बनाएंगे चावल की एकदम नई रेसिपी एकदम नए स्टाइल से, और ये रेसिपी एकदम नई भी है। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए लगभग हमने एक गिलास चावल ले लिए हैं, लेकिन उससे पहले एक धनिया की चटनी को तैयार करना होगा। इसके लिए हमने एक कटोरी धनिया, 3 से 4 कटी हुई मिर्ची, कुछ अदरक, कुछ लहसुन, थोड़ी सी शिमला मिर्च, आधा कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के हमने ये चटनी को तैयार कर लेना होगा। तो ये चटनी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, जो हमने एक गिलास चावल लिए थे, उन चावलों को फटाफट से 3 से 4 बारी अच्छे से धो लीजिए। चावल बड़ा बढ़िया खिला खिला बने, इसलिए हमने बासमती चावल लिया है, और 3 से 4 बार धोने के बाद इसको लगभग 10 मिनट के लिए हमने भिगो के भी छोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, साथ ही में थोड़ी सी जीरा डाल लीजिए। जीरे के साथ हम इसमें डालेंगे एक छोटी इलायची, साथ ही में काली मिर्च और लौंग, 4-5 दाना ही, थोड़ी दालचीनी अगर आपको पसंद हो तो। एक डाल दीजिए तेज पत्ता, 2 भाग करके हमने एक तेज पत्ता भी डाल रहे हैं, और साथ ही में दोस्तों हम डाल लेंगे साबुत लाल मिर्ची। तो ये खड़े मसाले तो चले गए हैं हमारे। अब हमने लगभग 2 मीडियम साइज प्याज जो है वो पतले पतले चॉप करके रखे हुए हैं, उन ऑनियन को डाल देंगे जैसे ही थोड़ा सा भून जाए। तो चलिए प्याज डाल देते हैं। प्याज के साथ साथ दोस्तों हमने कुछ अन्य चीज़ें, ढेर सारी वेजीज डाली हैं जो घर पे इजीली मिल जाती हैं। हमने डाले हैं फ्रेंच बीन्स, हमने डाले हैं मटर। मटर के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से आलू। आलू आपको ऑप्शनल है, पसंद हो तो ही डालिएगा, ना पसंद हो तो मत डालिएगा। आलू के साथ अगर आप चाहें तो पत्ता गोभी भी या फिर बंद गोभी भी डाल सकते हैं। हमने तो नहीं डाली है, लेकिन हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है। हल्का सा घुमाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गाजर डाल रहा हूँ। गाजर भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डाल लीजिएगा। इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लीजिए। साथ ही में भूनने के इनके हम थोड़ा एक टमाटर भी बड़ा काटा हुआ चॉप करके रखा है, लेकिन उससे पहले जो अभी हमने चटनी तैयार करी थी उस चटनी को डाल लिया है। अच्छे से घुमा लीजिए और इस चटनी के स्वाद में ये सारी चीज़ें हल्के से तेल में भूनने दीजिए। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी धनिए की इस सारे मिश्रण में, और इसको ढक के थोड़ी देर पका लीजिए। और अगर आपको ढकने की ज़रूरत नहीं लग रही तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब जो चावल हमने तैयार कर रहे थे, भिगो के रखे थे 10 मिनट के लिए, एक साइड में पतीला ले लिया, उसमें थोड़ा ऑयल डाल के सारे चावल उसमें हम डाल रहे हैं। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, इन चावलों में डाल लेना है, एक गिलास चावल थे तो 2 गिलास पानी। तो हम 2 गिलास पानी डाल रहे हैं। आपके चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि इसमें 2.5 गिलास पानी की ज़रूरत है या फिर 1.5। और गैस को ऑन करके हमने 2 गिलास पानी डाल लिया झटपट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसी ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकने दीजिए। और यहीं इस सब्जी में फटाफट से अब हम डाल लेते हैं टमाटर। टमाटर के साथ ये सारा मिश्रण अच्छे से पकता रहेगा। तो एक तरफ हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, एक तरफ ये जो हमारी वेजी है ये तैयार हो रही है। अब इसमें समय आ चुका है मसाले डालने का, ये लगभग सारी चीज़ें पक चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी ऑप्शनल है, चावलों को पीला करना चाहते हैं तो हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, और अगर किचन किंग डालना चाहते हैं या कोई बिरयानी मसाला तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप फटाफट से इस मसाले को मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, और उसके बाद इसे हम ढक के अच्छे से पकाएंगे। तो ये सारी वेजिटेबल आपकी पक के तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक लेते हैं और ये हटा लेते हैं। तो लगभग हमारी वेजीज जो हैं वो तैयार सी लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम बदलेंगे साइड्स को। हम अपने अब मेन गैस पे ले आए हैं कुकर, जिसमें हमारे चावल उबल रहे थे। तो अब आधे जैसे ही पानी उठ जाए हम अपनी वेजीज को इसमें डाल लेंगे, सारी की सारी वेजिटेबल्स को, ये देखिए, और उसके बाद इसे पकने देंगे। अभी आपको कुकर को बंद नहीं करना है, इसको इसमें अच्छे से बॉयल होने दीजिए। इसके मसाले में, इसके धनिए की खुशबू, खड़े मसालों की खुशबू, वेजिटेबल्स की खुशबू सारी की सारी चावल में आने दीजिए। आप इसको ऐसे ही थोड़ी देर बॉयल करते रहें, और एकदम एंड में जब पानी 90-80% उठ जाए तब हम सीटी दिलाएंगे, वो भी सिर्फ 2। ज़्यादा सीटियाँ नहीं दिलानी, क्योंकि पानी मैक्सिमम हमारा उठ चुका होगा और चावल पक चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब बस हम इसको सीटी दिलाएंगे फटाफट से,
तो चलिए ये सीटी दिला के कुछ ऐसे चावल हमारे को तैयार हो गई है दोस्तों, मस्त मिक्स वेजिटेबल बिरयानी धनिया की चटनी वाली, और धनिया की जो खुशबू इसमें से आ रही है दोस्तों, मेरा दिल मेरा मन सब कुछ मोह लिया है इस बिरयानी ने, मैं तो नहीं रुक पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा यमी लग रही है, मेरा मन कर रहा है बस मैं इस पर टूट पड़ूँ। आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये अच्छी और स्वादिष्ट बिरयानी हर कोई बना सके और खा सके, और ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। मुझे मालूम है जो भी इसे ट्राई करेगा वो इसका दीवाना ज़रूर हो जाएगा। थोड़े से काजू के साथ गार्निश करेंगे, बस समय आ गया है इसे फटाफट से खा लेने का क्योंकि मुंह में आ गया है बहुत ज़्यादा पानी। मैं चलता हूँ, आप और अपने परिवार का ख्याल रखें।